आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। अपनी तमाम तर गुनागों मसरूफियात में से वक्त निकाल कर खित्ते लद्दाख के हमारे अजीम फौजी सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अति विशेष सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल आली जनाब मोहतरम अनिंदिया सिंह गुप्ता जी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल मेजर जनरल मोहतरम नगेंद्र सिंह जी अपने दीगर काबिल व मुस्तैद फौजी ऑफिसरान और LAHTC चीफ एजुकेट ऑफिसर व दिल्ली तरक्याती कमिश्नर गुड मॉर्निंग कारगिल। कारगिल के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि एजे सरकार बहादुर में रेडियो स्टेशन का आरंभ हुआ है, जिससे आप सभी को बहुत फायदा होगा। अब सुनिए कुछ लोकल न्यूज। अग्निवीर स्कीम के तहत आर्मी भर्ती रैली लद्दाख स्काउट 9 सितंबर से कारगिल में शुरू कर रहे हैं और ये सभी के लिए अच्छा और सुनहरा मौका है। 19 सितंबर को कारगिल सरहद इंटरनेशनल मैराथन आयोजित किया है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग कारगिल, मैं आरजे अंजू फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सुन रहे हैं FM 90.8 धड़कन कारगिल की। अभी अभी पता चला है कि कारगिल में कोविड केस बढ़ने के कारण कारगिल के सभी स्कूल एक महीना बंद रहेंगे और आपकी सारी क्लासेस FM 90.8 धड़कन कारगिल से चलाया जाएगा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। धन्यवाद। जय हिंद दादा। ये बहुत खुशी और गर्व का मौका है कि पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रकासोम 90.8 मेगाहर्ट्ज आज हवा में खुल गया है। ये रेडियो स्टेशन जानकारी बढ़ाने के साथ साथ हमारी जो कारगिल और आसपास की कम्युनिटी है उसको बहुत चीज़ों में मदद देगी, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स की जानकारी, हमारे रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर स्कीम्स की जानकारी, सफाई अभियान, कम्युनिकेशन और सामाजिक तौर पे जो एंटरटेनमेंट हो सकती है, युवा और नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जैसे हम सबको पता है कि रेडियो ब्रॉडकास्ट हर समय अभी के जानकारी और सबसे रीसेंट जानकारी को बढ़ावा देता है। हम जानते हैं कि श्रोता लोग इस रेडियो स्टेशन से बहुत फ़ायदा लेंगे और यहाँ के सामाजिक आर्थिक बढ़ोतरी प्रगति पर अच्छा असर पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेडियो स्टेशन युवा, नारी शक्ति, बच्चे और पूरी कम्युनिटी को मौका देगी कि वह अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ बांट सके और कारगिल के लोग इसको एक इस पर एक गर्व महसूस करें। हमें बहुत खुशी है ये भी जान के कि आधी ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट हिंदी, बाल्टी और पुर्की में होंगे और हम चाहते हैं कि कारगिल और आसपास के गांव में इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। थैंक यू। जय हिंद। शुक्रिया जी सर। अति खत्ते लद्दाख ही तारीख इनु दुमा गुमगु कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंजु दुम ताला अति फयुल हिंदुस्तानी अजीम फौज कुनी रोल ना सजदे सों फयुत पिले की फेस्पा दुम ताला गोरिंच इंजु तोहफे इंजु कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पो दिवी स्पेशल रस्म इफ्तिताह फिलहाल अति कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इजु दरिन खत्ते लद्दाख अति इंडियन फौजी गोबाजु सरबरा फौजु कोर कमांडर साहब खान शाह से दुकुरी लपे हैं अदालत जो कारगिल शर्बे फिला जो
تعالی واقع بجو و انا دیگه انتی اسکاتی جو بلتی پورکی دون انتی اسکادینو پروگرام کنجو لو غزلیات کنجو دون نوها مرسیانا قصیده ندیگه ما انتی دیگه نمبرو کاست کنجو انجو انشاءالله و انا انتی شروی فیلا انتی شروینو گا هد اف دپارټمنټ چې نه دون لسه غایسه دي کنه کومې انټرویوز مته شربان لا فن کې توفی فلا دي کنه ریکارډ بسه تون چو پینجو ان شاء الله کمیونټي ریډیو سټیشن په غتان له لګي فن کې چنجو مته ادب او ثقافت او کلچر سغه فلا لګي فن کې چنګي شو जय हिंद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल जीओसी 14 कोर्स उपस्थित वीर नारी मेजर जनरल नागेंद्र सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल जीओसी 8 माउंटेन डीप एवं समस्त अधिकारीगण एक्स सर्विसमैन और जवानों का आज वीर स्थल की इनॉग्रेशन सेरेमनी में हार्दिक स्वागत है। कारगिल पॉइंट 13620 एवं टाइगर हिल को चित्रित करती स्मारक दीवार की स्थापना की गई है। 1971 के युद्ध में लद्दाख स्काउट्स के लेट लास हवलदार फतेह मोहम्मद और उनके सेक्शन को वेस्टर्न लद्दाख में दुश्मन के मोर्चे को कब्जा करने का कार्य दिया गया। दुश्मन की एलएमजी के फायर की परवाह न करते हुए हवलदार फतेह मोहम्मद ने एनिमी मोर्चे को ग्रेनेड से बर्बाद किया। इस बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ओक विजय में 30 मई 1999 को लद्दाख स्काउट्स के लेट हवलदार सेवांग रिगजिन के सेक्शन को 17,000 फीट ऊंची रिज पर कब्जा करते समय दुश्मन ने एम्बुश किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए हवलदार रिगजिन ने दुश्मन पर चार्ज किया और घायल होते हुए भी दो पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच श्रीमती दुदुमा बेगम धर्मपत्नी लेट लास हवलदार फतेह मोहम्मद वीर चक्र एवं श्रीमती फरबू डोलमा धर्मपत्नी लेट हवलदार सेवांग रिगजिन वीर चक्रा और उनके परिवारगण मौजूद हैं। मकामी कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।